देहरादून की बदहाल सड़कों के विरोध में कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया और प्रमुख अभियंता को ज्ञापन सौंपा। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है, देहरादून में सड़कों की स्थिति खराब है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों को खोद दिया, लेकिन अब तक इन सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। उन्होंने चेतावनी दी, यदि एक सप्ताह में सड़कों की स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी का जो हाल है, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो इस शहर पे धब्बे लगाए गए, जिस प्रकार से कोड़ में खाज हो जाती है, वही हाल पूरे देहरादून का हो रखा है। मुख्य मार्ग ध्वस्त पड़े हैं, आंतरिक मार्ग ध्वस्त पड़े हैं, गली मोहल्ले टूटे पड़े हैं, घंटाघर जो हमारा हृदय है वहां से लेकर के, और आप चले जाइए दिल्ली मार्ग पर, घंटाघर से चले जाइए मसूरी मार्ग पर, घंटाघर से चले जाइए चक्राता मार्ग पर, घंटाघर से चले जाइए हरिद्वार मार्ग पर, सारी चारों तरफ सड़कें टूटी है।